हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको MSI ऐप प्लेयर का एक बेस्ट लाइट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं। यह एमुलेटर बेसिकली MSI ऐप प्लेयर का 4.2 वाला वर्जन है। MSI का ओल्ड वर्जन होने की वजह से इस एमुलेटर की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम है। MSI ऐप प्लेयर के लेटेस्ट वर्जन को हाई परफॉर्मेंस के लिए 4GB रैम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इस वर्जन को हाई परफॉर्मेंस के लिए ओनली 3GB रैम रिक्वायर्ड होगी। OB43 अपडेट के बाद बहुत से लोगों के पास यह एमुलेटर चलते चलते क्रैश हो जाता था, सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। गेम्स विद शुभ ने भी कुछ दिन पहले एक न्यू PC बिल्ड करवाया है। पहले वो मोबाइल पे फ्री फायर खेलते थे, उनको PC का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। शुभ भाई को भी MSI ऐप प्लेयर में कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। सो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बगैर स्टार्ट से एंड तक देख लेते हो तो आप लोगों को इस एमुलेटर में कोई भी एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि MSI ऐप प्लेयर की फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली से आप लोग इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस फाइल को सिंपली से ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग MSI ऐप प्लेयर के सेटअप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। यहाँ पे आप लोग सिंपली से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करके आप लोग इस एमुलेटर को जिस भी ड्राइव या फिर जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर को MSI ऐप प्लेयर लाइट के नाम से रीनेम कर देंगे। लोकेशन चूज करने के बाद यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इस एमुलेटर की कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी जो इसको ऑपरेट करवाती हैं। जैसे इसकी डाउनलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो साथ ही एमुलेटर इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने 10 से 15 सेकंड वेट कर लेना है एंड इस एमुलेटर को कम्प्लीटली इंस्टॉल होने देना है। जैसे ये एमुलेटर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा और लॉन्च होने के बाद डेस्कटॉप पे आप लोगों के पास इसका एक शॉर्टकट भी देखने को मिलेगा। एमुलेटर को ओपन करने के बाद MSI ऐप प्लेयर का ये जो शॉर्टकट है इस पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन होगा ओपन फाइल लोकेशन का, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग उस लोकेशन पे रीडायरेक्ट होंगे जहाँ पे हमने MSI ऐप प्लेयर को इंस्टॉल करवाया था। सिंपली से आप लोग इस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे ग्राफिक सेटिंग। ग्राफिक सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप ऐप को चूज करेंगे और उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये जो फाइल नेम होगा इसकी जगह पे आप लोग उसी लोकेशन को पेस्ट कर देंगे जिसको अभी हमने कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद जैसे आप लोग इंटर करते हैं तो आप लोग MSI ऐप प्लेयर के फोल्डर में रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे ये जो ब्लू स्टिक्स की एप्लीकेशन वाली फाइल होगी इसको आप लोग चूज करने के बाद एड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो हाई परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन है इसको आप लोग चूज करने के बाद सेव कर देंगे। अगर आप लोगों के PC में कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो और बिल्ट इन ग्राफिक्स मेमोरी हो तो फिर भी आप लोगों ने इस वाली सेटिंग को कर लेना है। अगर आपकी विंडोज में ग्राफिक सेटिंग वाला ऑप्शन शो ना हो तो आप लोगों ने अपनी विंडोज को अपडेट कर लेना है। जैसे ही एमुलेटर ओपन होता है तो गूगल प्ले स्टोर साइन इन करने का कहेंगे, आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके आप लोग इसको बाद में भी साइन इन कर सकते हैं। स्टार्ट पे आप लोगों को कुछ यूजर गाइड देखने को मिल जाती है जिसको नेक्स्ट करते जाएंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। गेम सेंटर में कुछ गेम्स मिल जाती है जिनको इंस्टॉल करके आप लोग प्ले कर सकते हो। अगर आप लोग माई गेम्स में आते हैं तो पर्सनलाइज के सामने ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन पे क्लिक करके ये जो आइकन्स का साइज होता है इसको आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आप लोग सिस्टम एप्स पे क्लिक करके इसकी जो एंड्रॉइड सेटिंग्स होंगी इनको ओपन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एप्स वाले सेक्शन को ओपन कर लेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऑल एप्स को चूज करेंगे। इस एमुलेटर में आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको लो एंड PC के केस में हमने डिसेबल करना होगा। वैसे भी आप लोग किसी भी ऐप को इसमें इंस्टॉल APK पे क्लिक करके इंस्टॉल करवा सकते हो। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसको हम लोग सबसे पहले तो फोर स्टॉप करेंगे, उसके बाद स्टोरेज में जाके इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। लास्ट पे जैसे आप लोग डिसेबल पे क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सेटिंग्स में बैक आएंगे और यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा एक्सेसिबिलिटी का, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग लार्ज माउस पॉइंटर को ऑन कर देंगे। साथ ही टच एंड होल्ड डिले को भी आप लोगों ने शॉर्ट पे सेट कर देना है। उसके बाद आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स को बंद कर देंगे एंड अभी हम लोग बात करेंगे MSI ऐप प्लेयर की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में फॉर लो एंड PC। सबसे पहले अगर आप लोग डिस्प्ले में आते हैं तो लैंडस्केप टैबलेट मोड को चूज करने के बाद आप लोग अपने PC के हिसाब से यहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन रख सकते हो। या फिर अगर आप लोगों के पास लो एंड PC है और आप लोगों को अगर लैग फील हो तो आप लोग कस्टम में आके यहाँ पे 800 और 600 वाला जो रेजोल्यूशन है उसको भी चूज कर सकते हो। DPI वैल्यू हम लोग 240 रखेंगे और इन सेटिंग्स को सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग इंजन में आते हैं तो ग्राफिक इंजन को हम लोग परफॉर्मेंस पे सेट करेंगे और ये जो रेंडरिंग मोड है इसको आप लोग OpenGL पे रख लेंगे। लेकिन अगर OpenGL चूज करने के बाद आप लोगों को गेम में ग्राफिक से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो इसको आप लोग DirectX पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन पहले आप लोगों ने OpenGL को चूज करके देख लेना है। गेम्स विद
शुभ भाई को भी ग्राफिक्स से रिलेटेड सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने जब रेंडरिंग मोड को चेंज किया तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। साथ ही अगर आप लोगों के कंप्यूटर में कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हो तो इस वाले ऑप्शन को आप लोग ऑन भी कर सकते हो। ASTC टेक्सचर को हम लोग डिसेबल ही रखेंगे। अगर CPU कोर्स की बात की जाए तो इस एमुलेटर को हम लोग 2 कोर्स और रैम में इस एमुलेटर को हम लोग 2 GB रैम असाइन कर देंगे। ये MSI प्लेयर का एक ओल्ड वर्जन है। पहले जितने भी MSI प्लेयर के वर्जन आ चुके हैं उनको हाई परफॉर्मेंस के लिए 3 GB रैम रिक्वायर्ड होती थी। उसके बाद एनेबल हाई फ्रेम रेट्स पे क्लिक करके अगर आप लोगों के PC में ग्राफिक कार्ड लगा हो तो यहाँ पे आप लोग 240 FPS को भी ऑन कर सकते हो। लेकिन एक लो एंड PC जिसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो तो उसमें आप लोग 90 FPS को ऑन कर लेंगे। साथ ही जो ABI सेटिंग होगी इसको हम लोग ऑटो पे रहने देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि ये जो इंजन वाली सेटिंग है वो इस एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से आप लोग सेटिंग्स में आएंगे। इस बार अगर आप लोग नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आते हैं तो ये जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी इन सभी को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग प्रेफरेंसेस में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एड डेस्कटॉप आइकन फॉर इंस्टॉल्ड एप्स, इसको आप लोग टिक करके रखेंगे जिससे आप लोग इस एमुलेटर में जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक शॉर्टकट आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे बन जाएगा। साथ ही राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे जितने भी ये आइकन्स होते हैं इनके ऑर्डर को अगर आप लोग चेंज करना चाहो, इनकी पोजीशन को आप लोग चेंज कर सकते हो। इनमें जो आइकन्स आप लोग ज्यादा यूज करते हैं उनको टॉप पे भी ला सकते हो। यूजर डाटा के बाद यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन होगा जिसमें आने के बाद ये जो प्री डिफाइंड प्रोफाइल होती है इसमें आप लोग ASUS ROG 2 को चूज कर लेंगे। बेसिकली ASUS ROG 2 में आप लोगों को ऑल्टरनेटिवली ज्यादा FPS देखने को मिलते हैं, वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस डिवाइस को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग शॉर्टकट कीज में आते हैं तो 1x1 करके इन सभी शॉर्टकट कीज को हम लोग हटा देंगे क्योंकि अगर आप लोग किसी भी गेम में मैक्रो यूज करते हैं तो इन कीज की वजह से आप लोगों को गेम में दिक्कत आ सकती है। गेम सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास कर्सर का एक स्टाइल देखने को मिलता है। मैं वैसे नॉर्मल वाले को ज्यादा प्रेफर करता हूँ तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे। अगर आप लोग अबाउट में आते हैं तो ये बेसिकली MSI प्लेयर का 4.2 वाला वर्जन है जो 32-bit एंड्रॉइड को सपोर्ट करता है। इस तरह से एमुलेटर सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद अभी हम लोग इस एमुलेटर में फ्री फायर को इंस्टॉल करवाने वाले हैं। फ्री फायर या किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे आप लोगों के पास इंस्टॉल APK का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग फ्री फायर की APK फाइल को चूज कर लेंगे। मैं इस एमुलेटर में फ्री फायर की न्यू अपडेट OB43 का ग्लोबल वर्जन यूज करने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो उसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे फ्री फायर इंस्टॉल होगी तो इसका एक आइकन आप लोगों के पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी देखने को मिलेगा। फ्री फायर ओपन करने से पहले आप लोगों के जो भी अकाउंट्स होंगे उनको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। अगर तो आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट गूगल पे बना हो तो आप लोग सिस्टम ऐप्स पे क्लिक करेंगे और एंड्रॉइड सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे पर्सनल वाले सेक्शन में आप लोगों के पास एक अकाउंट्स वाला ऑप्शन होगा जिसमें ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग इजीली अपने गूगल के अकाउंट को ऐड कर सकते हो और इस अकाउंट के थ्रू फ्री फायर में इंटर होने के बाद आप लोग अपनी ID को भी लॉगिन कर पाओगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट VK, फेसबुक या फिर ट्विटर पे बना हो तो उन अकाउंट्स को आप लोगों ने ब्राउजर में जाके ऐड कर लेना है। इस एमुलेटर में आप लोगों को क्रोम ब्राउजर भी देखने को मिलेगा जिसकी सर्च बार में आप लोग टाइप करेंगे फेसबुक लॉगिन। फेसबुक लॉगिन सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग फेसबुक लॉगिन और साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के फेसबुक अकाउंट की जो भी डिटेल्स हैं वो पुट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फेसबुक ID को लॉगिन करने के बाद ब्राउजर को हम लोग बंद कर देंगे एंड फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। जब आप लोग इस एमुलेटर में फ्री फायर फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो की मैपिंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी। वैसे भी फ्री फायर में इंटर होने के बाद ये सभी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। साथ ही अगर आप लोग फ्री फायर की शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो मेरे सेकंड चैनल फ्री फायर टोटल फैक्ट्स का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे VK एंड गूगल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्रोम ब्राउजर में रिडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लोगों की ID यहाँ पे विदाउट एनी एरर लॉगिन हो जाएगी। अभी गेम में इंटर होने के बाद आप लोगों को लॉबी पे कुछ भी लैग फील नहीं होगा। जस्ट आप लोगों ने एक काम करना है कि डाउनलोड सेंटर में आएंगे, जितने भी रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे होंगे पोस्ट पे क्लिक करके सभी को हम लोग स्टॉप कर देंगे। उसके बाद डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जितने भी ये रिसोर्सेज डाउनलोड हुए होंगे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके आप लोग कंफर्म कर देंगे। अभी ये सारे रिसोर्सेज डिलीट हो चुके हैं, अभी आप लोग कैंसिल पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड में आएंगे और वही एक्सपेंशन पैक को डाउनलोड करेंगे जिनको आप लोगों ने इक्विप किया हो। अभी अगर इस एमुलेटर में फ्री फायर की मैपिंग के बारे में बात की जाए तो आप लोग फ्री फायर की इन गेम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। अगर आप लोग इस वाली सेंसिटिविटी में आते हैं तो ये सेंसिटिविटी आप लोगों ने अपने माउस के हिसाब से रखनी होती है। मैं जो माउस यूज करता हूँ उसमें मैं मोस्टली 1600 DPI रखता हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई एक ऐसा माउस हो जिसमें आप लोग 1500 से 2000 तक DPI यूज करते हो तो आप लोग सेम मेरे वाली सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो। इस एमुलेटर में मोस्टली आप लोगों की जॉयस्टिक वैसे स्ट्रक नहीं होती। अगर आप लोगों को जॉयस्टिक स्ट्रक से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को मिले तो आप लोगों ने इसके साइज को कम करके इसको कॉर्नर
बैनर पे ले आना है। साथ ही MSI iPlayer का जो लाइट वर्जन है इसमें आप लोगों ने जो फायर बटन का साइज होगा इसको 29 रखेंगे। अभी अगर आप लोग राइट साइड पे टूल बार पे देखेंगे तो गेम कंट्रोल के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप लोग ओपन एडवांस एडिटर पे क्लिक कर देंगे। इस सिमुलेटर में की मैपिंग की दो स्कीम्स हैं, एक है स्मार्ट और एक है स्टैंडर्ड। जो स्मार्ट मोड है इसमें आप लोगों के पास काफी ज्यादा कीज मिल जाती हैं, जिनको एडजस्ट करने में आप लोगों को काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप लोग स्टैंडर्ड मोड में की मैपिंग करते हैं तो इसमें इजीली आप लोग 1-2 मिनट में की मैपिंग को कर सकते हो। साथ ही सिमुलेटर में आप लोगों का फायर बटन ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे चला जाता है, जिसे उठा के आप लोग राइट साइड पे ले आएंगे। लेफ्ट क्लिक को आप लोग एज अ फायर बटन यूज करेंगे। ये जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन है, बाय डिफॉल्ट ये F1 से कंट्रोल होता है, लेकिन इसके लिए आप लोग कोई भी रैंडम की असाइन कर सकते हो। साथ ही राइट माउस क्लिक बटन को हम लोग स्कोप के लिए यूज करेंगे। अगर तो आप लोगों के पास ब्लू स्टैक्स या फिर MSI iPlayer की मैपिंग वाली फाइल .cfg एक्सटेंशन में पड़ी हो तो उसको आप लोग इस सिमुलेटर में इंपोर्ट भी करवा सकते हो। जब आप लोग इसमें की मैपिंग वाली फाइल को इंपोर्ट करवा लेते हैं तो इससे आप लोगों को बार बार इस सिमुलेटर में की मैपिंग नहीं करना पड़ती और कुछ ही सेकंड में आप लोगों की मैपिंग दोबारा से हो जाती है। इस फाइल को किस तरह से एक्सपोर्ट करवाते हैं इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। अगर तो ये कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे विजिबल हो और इनकी विजिबिलिटी को अगर आप लोग कम करना चाहते हैं तो गेम कंट्रोल पे क्लिक करके इसकी जो ओपेसिटी होगी इसको अगर आप लोग बिल्कुल कम कर देते हैं तो ये कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो नहीं होंगी। सो गाइस, अभी अगर आप लोग इस सिमुलेटर में जिस तरह से भी फ्री फायर को प्ले करना चाहो आप लोग इजीली प्ले कर सकते हो। इस सिमुलेटर की सेंसिटिविटी फ्री फायर के लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जस्ट आप लोग अगर हल्का सा ड्रैग करते हैं तो आप लोगों का एम इजीली हेड पे चला जाता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।